वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे प्रेडिकेट लॉजिक की। हमने इसी तरह से एग्जांपल छोटे छोटे आगे बढ़ते जाएंगे और आपको क्वांटिफायर्स का और प्रेडिकेट्स का इस्तेमाल करना सिखाते जाएंगे। अगली प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो कहता है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर मतलब हर एक रैशनल नंबर, अगर कोई नंबर है जो रैशनल है तो हर एक रैशनल नंबर पर ये रूल अप्लाई होता है। जहां भी रूल की बदबू होंगे, रूल के लगे तो समझ जाना कि इम्प्लीकेशन का निशान आने वाला है, क्योंकि रूल बेस, अगर रूल कोई लिखा है इसका मतलब मैं यही करने वाला हूं। ए प्रोड्यूसेस बी, ये क्या है, ये रूल ही तो है कि अगर ए होगा तो बी होगा। ये तो वर्ड जो लग जाता है ना, समझ जाना इम्प्लीकेशन। तो मैं फिर से बोलता हूं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर मतलब एक नंबर है अगर वो रैशनल है तो वो सारे रैशनल नंबर पर नियम अप्लाई होता है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आप समझ ही गए होंगे, आप लिख ही लेंगे इसमें फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड। पहला प्रेडिकेट लेंगे आप रैशनल एक्स, जिसका मतलब क्या होगा, एक्स इज अ रैशनल नंबर। आपको डिफाइन करना है तो आप लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे रियल एक्स, बिकॉज रियल के लिए भी तो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद नंबर, सिंपल जो नंबर होता है ना उसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा नंबर x। और आप समझ रहे होगे इन तीनों का मतलब क्या है, x is a rational number, x is a real number and x is a number। दूसरा स्टेटमेंट इसमें है there exists a number that is prime, मतलब कहीं कोई नंबर है, there exists any number जो कि होगा कोई, हमें नहीं पता, वो नंबर जो है वो प्राइम है। तो सबसे पहले हम इसमें ये बात जान लें कि यहाँ पे एक प्रेडिकेट और यूज हो रहा है जिसका नाम है प्राइम, और प्राइम एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये तो प्रेडिकेट, ये चार यूज हो गए, ये मेरे वेपन्स हैं जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा। अब मैं स्टेटमेंट पे आता हूं, फिर से पढ़ता हूं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। स्टेटमेंट नंबर वन, एवरी रैशनल नंबर इज Every rational number is a real number। Simple से statement कि अगर वो rational है तो real होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो real है तो rational होगा। हर real number rational नहीं होता, लेकिन हर rational number real होता है इस rule के हिसाब से। Please आप उसकी भावनाओं पर मत जाएं, सिर्फ ये देखिए कि statement क्या है। जैसा statement लिखा है वैसा convert करिए। अगर गलत लिखा है तो गलत करिए, उसको सुधारने नहीं बैठना, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत। कभी कभी पेपर में कर भी देते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं, जिसका वैल्यू रिजल्टेंट फॉल्स ही आना है, लेकिन बच्चे उसको सुधारने खड़े हो जाते हैं कि सभी कहीं गलत लिख जाएगा तो हम गलत को सही करके फिर आंसर लिखें। तो आप ऐसा कभी मत करिएगा, जैसा लिखा है वैसा लिखें और काम करें। वैसा खैर गलत नहीं है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आगे दूसरा स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, कहीं कोई नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, देयर एग्जिस्ट का निशान फिर नंबर, there exists x and that x is number x। वो जो नंबर की बात हो रही है ना, जिस x की बात हो रही है, that is a prime number। अब आप बताइए कि ये मैं किसी एक स्पेसिफिक x की बात कर रहा हूं, ये नियम सब पे तो अप्लाई नहीं करा ना, ये नियम तो नहीं बोला ना मैंने कि सारे नंबर जो होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, ऐसा तो नहीं लिखा ना। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता तो फिर वो क्या करता, फॉर ऑल x नंबर x, फिर ऐसे एम्प्लाइज का निशान लगाता और प्राइम एक्स कर देता, बड़ा आसान था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्स की बात हो रही है जो कि प्राइम है, मतलब वो रूल नहीं है, वो स्पेसिफिक किसी पर्सन किसी एक्स की बात हो रही है। जब भी कोई ऐसी स्पेसिफिक बात होगी तो आप कभी भी एम्प्लाइज का निशान नहीं लगाएंगे। ये इसके थोड़ा से लेवल को और बढ़ाती है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम उस जगह पे पहुंचेंगे जिस जगह पे आपकी यूनिवर्सिटी आपको पेपर में न्यूमेरिकल देती है और आप उसको सॉल्व बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये भी आ सकते हैं पेपर में, लेकिन ये सिर्फ वो तैयारी है उन न्यूमेरिकल्स को समझने की। थैंक यू सो मच।